हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स से करी हो तो आपको इस वर्क की इंपॉर्टेंस पता होगी, और अगर आपने पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर पोप आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप बात करते हो, किसी भी पेपर की बात करते हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फिगर थे जब हम बात करते हैं हमारी इलाइटेनमेंट की एज की बात करते हैं तब। और इनका फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। जैसे इसमें लिखा हुआ टाइटल, ऐसा कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि टाइटल थोड़ा सा मिसलीडिंग है, वो किसी और रेफरेंस में दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर की, कि इनका वर्क क्या है या फिर इनकी बायोग्राफी कैसी थी। तो हम इसमें दो तीन चीज़ें मैंशन करेंगे, जैसे कि एक तो कि इनका बर्थ हुआ था मई में, ठीक है, 21 मई 1688 में। अब 1688 के बाद आपको ध्यान रखना है कि हम रेस्टोरेशन हो चुका है, क्योंकि 1660 में रेस्टोरेशन होता है चार्ल्स द सेकेंड का, क्योंकि उसी हिसाब से आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे आप उन चीज़ों को। ये क्या थे, ये एक पोइट भी थे प्लस ये एक सटायरिस्ट भी थे, ठीक है। सटायर इनके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क जो है वो सटायर है मेनली। आगे अगर हम बात करें इनकी, तो जो अलेक्जेंडर पोप है वो एक कैथलिक थे। आपको पता होगा, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं जो मैंने नेट के लिए बना रखे, काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं नेट के लिए, उनमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो टाइम पीरियड था, अगर हम रेस्टोरेशन की बात करें तो रेस्टोरेशन से पहले का भी और रेस्टोरेशन से बाद का भी टाइम पीरियड था, उसमें बहुत ज़्यादा हासिल बसल चल रही थी बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप। एक तरफ थे जो कैथलिक्स थे, एक तरफ जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, तो कभी कैथलिक किंग आ रहा है, कभी प्रोटेस्टेंट किंग आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और उसी के टर्मोइल के बीच में हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं। तो इनके वर्क्स में भी हम वो चीज़ें देखेंगे कि इनका जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं दिखाता है एक तरफ कैथलिक्स को, या फिर वो शो करता है कि कैसे जो इंग्लिश सोसाइटी थी उस टाइम पे वो कैथलिक्स के अगेंस्ट में थी, उनके बिलीव्स को, उन सभी चीज़ों को आप इसमें देखोगे। अब हम बात करते हैं द रेप ऑफ द लॉक की, जो कि हमारा आज का टाइटल है। ये जो वर्क है ये हमारा इसमें 1814 में इन्होंने लिखा या पब्लिश किया है, हम ऐसे बोल सकते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रेप ऑफ द लॉक जो है वो पहले ऐसे पब्लिश नहीं हुआ था, मतलब पहले इतने में पब्लिश नहीं हुआ था। सॉरी, यहाँ पे 18 नहीं है, ये 17 होना चाहिए, मैं यहाँ पे इसे करेक्ट करूँगी, वन सेकेंड। यस, ये 18 नहीं है, ये 17 है, क्योंकि 18 तो बहुत आगे चल जाएगी एज, तो 1714 में इन्होंने ये पब्लिश करी है। इसका जॉनरा क्या है, अगर हम जॉनरा की बात करें तो ये कॉमेडी। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को लिखा हुआ है। इसमें क्या बताया गया, जो फाइनल एडिशन है पोइट्री का, ये एक पोइट्री है वैसे तो, ये 5 कैंटोज के बाद 1717 में पब्लिश हुई थी। मैंने बोला कि 1714 में हुई थी, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी मॉक हीरोइक पोइट्री है, ये जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये किस जॉनरा में आती है, ये देखो मॉक हीरोइक जो जॉनरा है उसके अंदर आती है। ये क्या होती है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो पहले ये जो पोइट्री है ये जब 1714 में पब्लिश हुई थी, मॉक हीरोइक पोइट्री है, ये 2 कैंटो में हुई थी बस। पहले इसमें सिर्फ 2 ही कैंटो थे, बाद में जब ये 1717 में पब्लिश हुई तभी इसमें 5 कैंटोज थे, मतलब कि 3 कैंटो ऐड किए गए। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, क्या ऐड हुआ था, क्लैरिसा की स्पीच इसमें ऐड हुई थी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लैरिसा की स्पीच, क्लैरिसा एक कैरेक्टर है इसके अंदर, उसकी स्पीच को बाद में ऐड किया था, पहले नहीं था। अगर हम जॉनरा की बात करें तो ऑगस्टिन एज पे लिख रहे हैं, ठीक है, इनलाइटनमेंट एज ही बोल लो आप, ऑगस्टिन एज बोल लो, जो बोलना चाहो। मॉक हीरोइक क्या होता है, जहाँ पे जो आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, हीरोइक क्या होता है, जैसे कि आपकी एपिक पोइट्री लिखी जाती है, मॉक एपिक इसे हम बोल सकते हैं, मॉक हीरोइक बोलो या फिर आप इसे बोल सकते हो मॉक एपिक, ठीक है। मॉक का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, उसके ऊपर तंज कसना या फिर मजाक उड़ाना। और एपिक जैसे कि हमारी रामायण है, महाभारत है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास होमर की इलियड है, ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है, तो उस तरीके की जो एपिक थी, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसका जॉनरा कैसा होता था एपिक का, हीरोइक कपलेट उसमें यूज़ होते थे। एक बड़ा सा कोई ऐसा इंसिडेंट लिखा लिया जाता था जहाँ पे एक कोई वॉर होगी, बैटल होगी, उस तरीके की चीज़ उसमें होती है, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर ने क्या किया है, पोप ने क्या किया है, इसको एक मॉक हीरोइक फॉर्म में बनाया है। मतलब स्टाइल इसका कैसा है, तो ये एक पोइट्री, छोटी सी पोइट्री है, लेकिन इसको इस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है कि बैटल हो रहा है। बैटल किसके बीच में, फैंस है, मतलब फैन मतलब ये पंखे जो होते हैं ना हाथ वाले, ये वाले फ़ैन हैं लड़कियों के हाथों में, तो इसको दिखा रखा है जैसे बैटल फील्ड चल रही है और युद्ध, ये जो वॉर है, क्योंकि किसी भी एपिक में कोई ना कोई एक वॉर होता है, बहुत बड़ा वॉर होता है, लड़ाई होती है, और यहाँ पे लड़ाई किसके लिए है, लॉक ऑफ द हेयर की, ये जो लटे होती हैं लड़कियों की, ये जो जुल्फे होती हैं उसका एक लॉक जो है वो काट लिया गया है, और उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तो आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ को एक बहुत ही ग्रैंड उस पे, एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रेजेंट करना होता है आपका मॉक हीरोइक
आप जब यूज़ करते हो स्टाइल को। नैरेटिव पोइट्री है, नैरेटिव क्यों, क्योंकि जितनी भी हमारी हीरोइक पोइट्री होती हैं, एपिक पोइट्री होती है, वो नैरेटिव होती है जो कि स्टोरी सुनाती है, कोई ना कोई उसमें एक स्टोरी चल रही होती है। और रेमन इक्लिफ का मतलब क्या होता है, जब कोई वर्क जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से लिया गया होता है, ठीक है, रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर बेस किया गया होता है। अब इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाली हूँ कि ये किस पे बेस है, इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। बेलिंडा जो हमारी हीरोइन है उसके घर पे हैम्पटन कोर्ट एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग मिला करते थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको पता होगा, अगर अपनी आप मेरी क्लासेस लेते हो तो मैंने इसे मेंशन किया है कि जब हमारी इनलाइटनमेंट हो रही थी उस टाइम पे आपने देखा है कि कॉलोनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अपने पीक पे था उस टाइम पे, ब्रिटिश ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना दी थी। उसी टाइम पे हमारा कॉफ़ी हाउस का कल्चर भी स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं। कॉफ़ी हाउस में क्या होता, लोग इकट्ठे होते थे, बातें करते थे या फिर किसी के ऊपर डिस्कशन करते थे या फिर चीज़ें। और केव ऑफ स्प्लीन क्या है, ये एक अंडरग्राउंड, अगर आपने कोई भी एपिक पढ़ी है तो आपने देखा, अगर आपने एगेमेमनॉन पढ़ी है, ठीक है, एगेमेमनॉन है या फिर ओडिसियस है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड की बात कर रखी होती है, अंडरग्राउंड वर्ल्ड की बात कर रखी होती है, क्योंकि ये एक मिमिक कर रहा है, उसका एक मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। तो एलिमेंट्स वो सारे एपिक के यहाँ पे कॉपी करेगा, लेकिन उसको बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, तुच्छ तरीके से प्रेजेंट करना, वो यहाँ पे होगा। क्लाइमेक्स क्या होगा, जब बेलिंडा के जो हेयर हैं वो रिवेल होंगे कि वो कहाँ हैं, बैरन के पास नहीं है। बैरन कौन है, बैरन यहाँ पे हमारा, हम बोल सकते हैं विलन है, या फिर जो बेलिंडा से प्यार करता है, या फिर पता नहीं करता भी है या नहीं करता, वो हमें नहीं पता सही से। जब उसे पता चलता है कि वो जो हेयर हैं वो कहाँ चले गए हैं, आकाश में, आसमान में जाके, स्काई में जाके कॉन्स्टिटेशन बन के, सितारों का जो एक ग्रुप होता है ना स्टार्स का, वो एंटीगोनिस्ट कौन है, बैरन, मैंने बोला ये विलन है। स्टार्ट करते हैं आगे हम अपनी स्टोरी को। देखो मैंने आपको बोला था कि रोमन एक्लिफ क्या होता है, जब कोई भी जो वर्क है वो किसी रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर बेस किया गया होता है। तो ये जो हमारी मॉक हीरोइक पोइट्री है द रेप ऑफ द लॉक, ये किस पे है, ये एक एराबेला फरमोर, ठीक है, एक एराबेला फरमोर रियल लाइफ कैरेक्टर है, और एक रॉबर्ट पर्सन था, रॉबर्ट, ठीक है, पीटर रॉबर्ट उसका नाम था, उसके ऊपर बेस है, ये रियल लाइफ कैरेक्टर है। ये दोनों ही कौन थे, ये पोप के कहीं ना कहीं फ्रेंड्स थे या फिर नेबर में थे, ये दोनों फैमिली नेबर्स में थी, एक फैमिली ये थी एक फैमिली ये थी। रॉबर्ट पीटर ने क्या किया था, एराबेला के एक लॉक ऑफ हेयर को काट लिया था, और उसके बाद दोनों ही फैमिलीज के बीच में बहुत लंबी लड़ाई होती है। और उसके बाद ये जो जॉन कार्ले है ना, ये जो जॉन कार्ले हैं, ये पोप के एक फ्रेंड थे पोप के, जिन्होंने क्या बोला, और फैमिली के भी एक फ्रेंड थे, दोनों के थे, इन्होंने पोप को बोला कि तुम एक ऐसी कोई पोइट्री लिखो, कोई इस तरीके से लिखो, देखो मॉक स्टाइल में कुछ लिखो, लेकिन कैसी हो, मॉक को मजाक उड़ाती हो, किस लिए, थोड़ा मजाक किया हो, ह्यूमरस हो, इसलिए कुछ ऐसा लिखो कि दोनों फैमिलीज के बीच की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, दोनों फिर से एक हो जाए, और ये जो लवर्स हैं इन दोनों के लास्ट में शादी हो जाए, इसलिए बोला गया था। अब उसके रिस्पांस में उन्होंने क्या किया, पोप ने इस पोइट्री को द रेप ऑफ द लॉक को लिखा था, हालांकि लिखी गई थी कि सिर्फ दो चार लोग ही इसे पढ़ेंगे, लेकिन ये फेमस इतनी हुई कि बाद में आप देखो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि फ्रेंच ऑथर, क्योंकि इसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नेट ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ें पढ़ोगे और हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इस तरीके की मॉक हीरोइक वर्क की, तो आपको याद रखना एक फ्रेंच ऑथर का नाम, ठीक है, ये है निकोलस, इनका नाम पता नहीं क्या क्योंकि फ्रेंच नेम है, इनकी पोइट्री है ये वाली, ठीक है, ये पोइट्री जो है ये भी एक इसी तरीके की थीम पे रखी गई है, डील करती है दो तरफ की छोटी सी ट्राइबल, छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है उसको, प्लस एक और वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का, कहाँ गया, ये रहा द बैटल ऑफ द बुक्स, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, ये भी एक कैसा है मॉक हीरोइक पोइट्री की तरह, एक छोटा सा छोटी सी चीज़ पे इतने बड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं होती है, उस चीज़ को ने लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। देखो जितने कैरेक्टर आएंगे मैं उसी के फाफत आपको बताती चलूँगी, नहीं तो चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करिए, शुरुआत होती है पोइट्री की और बेलिंडा, ठीक है, बेलिंडा कौन है, हमारी हीरोइन है, कैसी है, ब्यूटीफुल है, यंग है, यंग वीमेन है, और अभी भी सो रही है, ठीक है, सो रही है वो। और यहाँ पे कुछ एरियल है, अगर आपने मेरी टेम्पेस्ट पढ़ी है, शेक्सपियर का वर्क मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें एरियल का कैरेक्टर है, एरियल एक स्पिरिट है, ठीक है, एक निम्फ है, एक स्पिरिट है, तो सेम कैरेक्टर यहाँ पे भी है, ये मेल है, ठीक है, ये ही है, इसका नाम सुन के ऐसा मैं सोच रहा कि ये फीमेल है, ये ही है, ये कौन है, ये गार्जियन सिम्फ है, मतलब एक स्पिरिट है जो किस लिए है, ये बेलिंडा के ऊपर रहती है, मतलब क्योंकि एक स्पिरिट है तो उसके आसपास में घूमती रहती है, दिखाई नहीं देती है, घूमती रहती है, ग्रुप भी है इसके पास स्पिरिट्स का, जो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं वर्चुअस वुमेन को, जितनी भी यंग लेडीज़ हैं उनके वर्च्यू को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये ध्यान रखती हैं कि किसी की भी जो वर्जिनिटी है वो लूज़ ना हो, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ना उसको प्रोटेक्ट करना, वो ये सारे काम करती हैं। आगे क्या बोला गया है,
इसमें बताया गया है कि ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं एक्शंस को जो मॉर्टल हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके, और उनको जो ट्रबल में जाते हैं उनको बचा लेती हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई जाएंगी। ये क्या करती हैं, ये वार्न करती हैं बेलिंडा को, किस लिए, बी अवेयर ऑफ मैन, ठीक है। अब बेलिंडा उठ जाती है, उठने के बाद वो क्या करती है, अपने आप को ड्रेस करती है। अगर आपने कोई भी एपिक पोइट्री पढ़ी है, ठीक है, कोई भी एपिक पोइट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि वॉर से पहले क्या होता है, अपने हथियारों को बहुत लोग पूजा वगैरह करते हैं, वर्शिप करते हैं, गॉड के पास जाते हैं, ऑल्टर पे जाते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, कुछ चीज़ों को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे उसी को एक मजाकिया फन में रख के क्या किया गया, क्योंकि एक मॉक हीरोइक पोइट्री है तो इसमें चीज़ों का मजाक उड़ाया जाएगा, छोटे लेवल की चीज़ें हैं उसको इतना बढ़ा के दिखाएंगे। क्या कर रही है ये, वो अपने आप को ड्रेस कर रही है। और वो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, जब आप रियल वर्क पढ़ते हो तो समरी है, लेकिन अगर जब आप इसकी लाइंस पढ़ते हो, वहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि जो बेलिंडा है वो अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने आती है और अपनी फ़ोटो को, अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती है, और वहाँ पर वो अपनी जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जैसे कि पाउडर है या फिर जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को इस तरीके से सेट करती है, देखती है, उनकी प्रेज़ करती है, पूजा करती है, जैसे कि कोई गॉड की कर रहा हो। तो देखो जो एक एपिक में क्या होता है, भगवान की पूजा होती है, तो दूसरी तरफ इस पोइट्री में क्या हो रहा है, वो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, अपने मेकअप की चीज़ों की पूजा कर रही है, उसको कहीं ना कहीं वर्शिप कर रही है, उस तरीके से दिखा रखा है कि अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेस करती है। एक कैरेक्टर आपको याद रखना है, बेटी। बेटी कौन है, बेटी इसकी मेड है, ठीक है। बेटी के ऊपर क्वेश्चन आता है और इसके डॉग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसका डॉग का नाम अभी आएगा, मैं बाद में बता देती हूँ जहाँ पे आता है। तो वो भी उसे अटेंड कर रही होती है। बेलिंडा क्या कर रही है, अपने आप को ब्यूटीफाई कर रही है पूरे टाइम पे, वो यही करेगी, अपने आप को देख रही है कि वो कितनी खूबसूरत है। और कहाँ जाने वाली है, वो सेल करने वाली है लंदन टू हैम्पटन। हैम्पटन मैंने बोला ना, एक जगह है जहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस टाइप का कुछ बना हुआ है, वहाँ पर जाएगी गेम खेलने के लिए, और वहाँ पर क्राउड भी होगा, वो वहाँ पर जाने वाली है। टू लॉक्स, अब देखो जब वो अपने आप को तैयार कर रही होती है ना, तब एक चीज़ बोली गई है, एक लाइन बोली गई है कि बेलिंडा क्या यूज़ कर रही है, ज्वेल यूज़ कर रही है इंडिया के, परफ्यूम यूज़ कर रही है अरेबिया के, ये किस चीज़ का साइन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जिस टाइम पे ये वर्क लिखे गए थे उस टाइम पे जो कॉलोनाइजेशन था वो बहुत पीक पे चल रहा था, एकदम ग्लोरियस टाइम चल रहा था उस टाइम पे, कॉलोनाइजेशन का कॉलोनीज बहुत बन गई थी, तो उसको दिखा रखा कि देखो इंडिया में भी कॉलोनी बनाई थी, तो इंडिया से उन्होंने ज्वेल ले जा रखे हैं, और वो जो ज्वेल है वो बेलिंडा के पास भी, वो उन ज्वेलरीज को पहनेगी। अरेबिया में कॉलोनी बनाई है तो अरेबिया से उन्होंने परफ्यूम ले रखा है, तो उस चीज़ का रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है। उसमें बोला गया है जब वो अपने आप को तैयार कर रही होती है ना, तो उसके ऐसे दो कर्ल्स हैं, ठीक है, ऐसे दो उसके लॉक हैं, और जिसको बोला गया है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, उसकी ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं, जितने भी मेल सूटर्स हैं वो उसी के चक्कर में फंस जाते हैं, इन चीज़ों की बात करी गई है। और ये जो टू लॉक हैं ये क्या होंगे, वो अपने आप को उसको अट्रैक्टिव बनाती है बहुत ज़्यादा, और बैरन की जो आइज़ है, जो हमारा इसमें एंटागोनिस्ट है जो विलन है, उसकी आइज़ भी उसी को एडमायर करती रहती हैं, उन्हीं कर्ल्स को, ठीक है, उन्हीं लॉक्स को एडमायर करती रहती हैं। और वो क्या सोचता है, बाय फोर्स वो उसे थेफ्ट करने की कोशिश करता है, या तो वो उसे चुरा लेगा या कुछ तो करेगा, बिफोर सनराइज दैट मॉर्निंग, ठीक है, कि उससे पहले ही। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, अब बैरन इसके लिए गॉड से प्रे भी करता है। एक तरफ आप देखो जब कोई भी एपिक पढ़ते हो तो उसमें होता है कि जो हीरो है या फिर जो भी है वो गॉड से प्रे करते हैं विक्ट्री के लिए, कि उनकी विक्ट्री हो जाए। ट्रोजन वॉर में भी आपने देखा कि लास्ट में ट्रोजन कितने दिनों तक जला था, ठीक है, वो चीज़ देखते हो आपकी इतने दिनों तक, 9 सालों तक वहाँ पे वॉर चला, उसके बाद भी ट्रोजन वॉर जो ट्रोजन था वो इतना ट्रॉय बहुत जला, कई दिनों तक वो शहर जला। तो यहाँ पे ये किसके लिए प्रे कर रहा है, कि वो जो थेफ्ट करने वाला है, वो जो उसके कर्ल्स को चुराने वाला है, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए। इसके पास क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसने पहले फिर रखी हुई हैं, अपने प्रीवियस जो लवर्स हैं उनके, किसी के ग्लव्स हैं, किसी के लेटर्स हैं, टोकन्स हैं, इस तरीके से उसने रखे हुए हैं। और अब वो क्या चाहता है कि वो बेलिंडा के उन हेयर को भी लेके अपनी उसी कलेक्शन में ऐड कर ले। अब बेलिंडा की जो बोट है इज स्टिल ग्लाइडिंग अलॉन्ग, एंड एरियल, मैंने बोला ना एरियल कौन है, जो जो कि गार्डिंग उसकी गार्जियन है, जो उसे गार्ड कर रही हैं ताकि वो सेफ कर सकें, एक स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स का ग्रुप है पूरा, इज स्टिल ट्रबल्ड। उन्हें अभी भी ट्रबल हो रहा है, किस फीलिंग से, उन्हें एक फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ हॉरिबल होने वाला है आज के दिन, जब बेलिंडा तैयार हो रही थी। और वो अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेती है, मतलब कि पूरी स्पिरिट्स की, बहुत सारी स्पिरिट्स को वो बुला लेती है, ठीक है, बहुत सारी स्पिरिट्स को बुला लेती है आउट ऑफ द एयर, और एक्सप्लेन करती हैं कि जो डिज़ास्टर है वो क्या होने वाला है, किसी भी मूवमेंट हो सकता है, और उसका जो आइडिया है वो क्वाइट सिली है। और वो सोचते हैं कि बेलिंडा के साथ कुछ ना कुछ वर्स्ट होने वाला है, हो सकता है कि वो क्या करे, अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दे, ठीक है। वो किस लिए है, किस लिए गार्ड कर रही है, मैंने आपको बताया था कि यंग वुमेन की जो वर्जिनिटी है उसको गार्ड कर रही है वो।
अब देखो ये भी एक ट्राइबल से छोटी सी बात के ऊपर कर रहे हैं। अब न्यू ड्रेस जो है यहाँ पे गेटिंग स्टेन, आप स्टेन मतलब समझ रहे हो, जैसे कि वर्जिनिटी जब लूज होती है तो उस पर स्टेन्स लग जाते हैं, या फिर लूजिंग अ पीस ऑफ ज्वेल। वो बता रही हैं कि इसमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर उसका जो लैप डॉग है वो मर सकता है। आप देखो इसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो इसका लैप डॉग है उसका नाम क्या है, इसके लैप डॉग का नाम है शौक, ठीक है, शौक इसका नाम है। एक और डॉग है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है जो कि इसमें से नहीं है, वो है आपकी जेन एयर से, ठीक है, जेन एयर से। जेन एयर में एक डॉग है उसका नाम पायलट है, ठीक है, पायलट है उसका नाम। ये दो क्वेश्चन आते हैं डॉग्स रिलेटेड। उसके बाद वो बताते हैं कि बहुत सारे नेम्स को बुलाया गया है जो सिफ्लिस हैं, जो कि सिल्फ्स हैं, जो हमारे स्पिरिट हैं उनको बुलाते हैं, उनको अलग अलग चार्ज दे देते हैं कि कोई उसके फैन को देखेगा कि उसका फ़ैन कोई ना ले जाए, कोई उसके लॉक्स को देखेगा उसके लॉक को कुछ ना, कोई उसकी घड़ी को देखेगा, कोई उसके कुत्ते को देखेगा। मतलब हर एक स्पिरिट अपना अपना काम करेगा, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, बेलिंडा की हर एक चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब क्या है, बोट अराइव हो चुकी है हैम्पटन कोर्ट पे, जहाँ पे उसे जाना था ना, लगा लो यहाँ पे अगर पार्टी हो रही है कहीं पे यहाँ पे, तो वो वहाँ पे पहुँच चुकी है, वो जो बोट है उसकी वहाँ पे पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे उस बोट में लेडीज़ थी, कुछ बहुत सारे लोग थे, सब इंजॉय कर रहे हैं, डे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे गॉसिप हो गई क्योंकि मेन वो गॉसिप ही करते हैं। वो क्या करती है, सिट डाउन हो जाती है दो मैन के साथ, दो लोग यहाँ पे हैं जो कि खेल रहे हैं गेम ऑफ ओम्बर। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा गेम खेला जा रहा था उस टाइम पे, कौन सा गेम चल रहा था, या फिर बेलिंडा कौन सा गेम खेलती, तो वो गेम ऑफ ओम्बर है, ये कार्ड का है, जैसे कि कार्ड्स खेलते हैं ना वैसे ये गेम है। और यहाँ पे आ जाती है, इसकी जो स्पिरिट्स हैं, गार्डिंग स्पिरिट है एरियल वगैरह, वो भी इसके साथ रहती है। गेम शुरू हो जाता है, यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो बेलिंडा है वो जीत रही होती है एक तरफ, ठीक है, क्योंकि जो उसकी स्पिरिट्स है ना, जो गार्डियन है उसकी, वो उसकी कार्ड्स पे बैठी होती हैं और वो देख रही होती है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए ये चीज़ें। अब बैरन जो है वो क्विकली क्या करता है, फायरबैक करता है दोबारा से जो चीज़ें हैं, क्योंकि गेम है ऑब्वियसली, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा, तो सडनली गेम चेंज होता है और गेम में डोमिनेंस अभी किसकी है, जो बैरन है उसकी है। अब बेलिंडा कहीं ना कहीं क्लोजली है, वो हारने वाली है, बीटन मतलब यहाँ पे पीटना वाला नहीं है पर गेम में हारने वाली है। और लास्ट में क्या होता है कि वो बेलिंडा इज एबल टू विन द फाइनल प्ले एंड रिएक्ट कैसे, बहुत खुशी से, ट्रम्फ मतलब होता है जब हम जीत जाते हैं, कोई विक्ट्री हो जाती है वॉर टाइप में उसमें। अब कॉफ़ी आती है, मैंने बोला ना कॉफ़ी हाउस है, कॉफ़ी हाउस का कल्चर उस टाइम पे था, तो ये कॉफ़ी हाउस है इसीलिए कॉफ़ी सर्व करी जाएगी। अब उसी बीच में क्या होगा, बैरन जो है वो अपने प्लान को सोच रहा है। क्या था उसका प्लान, मैंने आपको बताया था कि वो उसके लॉक्स को, उसकी जो जुल्फे हैं उसको चुराने की सोच रहा है। एक लड़की आती है क्लैरिसा, इस क्लैरिसा का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्पीच इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, बैरन को पेयर ऑफ सीजर्स देती है, एक कैंची देती है जो कि उसने अपने पास हमेशा रखती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बैटल के लिए कोई स्वॉर्ड नहीं है, कुछ तलवार नहीं है, क्या है, सीजर यूज़ हो रही है, तो इसीलिए ये मॉक हीरोइक है। एक तरफ एपिक पोइट्री में क्या होता है, हीरोइक पोइट्री में क्या होता है कि आप वॉर में कैफी कैफी चीज़ें यूज़ करें, स्वॉर्ड यूज़ हो रहा है ये सब, और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, सीजर यूज़ हो रहा है। बैरन उसे सीज करता है और क्या करता है, लॉक को काट लेता है, उसके एक जो लॉक थी, ठीक है, एक तरफ की जो उसकी लॉक है वो उसने काट ली है। अब उसके बाद जितनी भी स्पिरिट्स थी वो भी उसको देख रही होती हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं। वो बेलिंडा को कहीं ना कहीं, ये वो उसकी ईयरिंग के पास घूम रही होती है, बेलिंडा को वार्न करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है। और उसमें एक चीज़ बोली गई है एग्जैक्ट, जो हमारी एक ये तो समरी है जो रियल बुक है उसमें बोली गई है कि ये जितनी भी सेंट्स हैं या फिर जितनी भी स्पिरिट है, वो सिर्फ तभी किसी को वॉन्ट बचा सकती हैं अगर वो पर्सन जिसको वो बचाना चाहती हैं वो किसी अर्थली फिगर से प्यार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बेलिंडा किसी अर्थली फिगर को पसंद करती है, इसीलिए वो उसे कुछ बचा नहीं पाएंगी। ऑल दो वो आसपास घूमती है, 3 बार देखती भी है, लेकिन उसे गैर जो बैरन का प्लान है वो पता नहीं चलता है। और यहाँ पे क्या होता है, इनर थॉट्स वगैरह, उसकी फीलिंग जो है अर्थली लवर उसका है, देखो मैंने बोला था ना, इसमें मेंशन कर रखा है, ही फील्स इल बेनिफिट क्लोज, इसके यहाँ पे इतना कुछ काम का नहीं है, स्टॉप करना बंद कर देती है। और वो क्या करता है, स्निफ कर लेता है उसके लॉक ऑफ हेयर को, और वो क्या है, वो उसे ऐसा लगता है कि वो एक क्राउन है उसके लिए। और यहाँ पे जो बेलिंडा की स्क्रीमिंग है, जो चिल्लाने की आवाज़ है, रोने की आवाज़ है, वो हमें सुनाई देती है। वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है अपने उस लॉक ऑफ हेयर के लिए, ऐसा लगता है कि उसने पता नहीं किसको खो दिया। एक लाइन बोली गई, ऐसा लगता है कि वो इससे कम रोती अगर उसका डॉग की डेथ हो जाती, या फिर कुछ ऐसा हो जाता अगर वो वर्जिनिटी को लूज़ कर देती, वो उससे कम रोती, लेकिन उसके लॉक चले गए, उसके बाल चले गए, इसलिए वो ज़्यादा रो रही है। अब यहाँ पे बेलिंडा बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अब एक कैरेक्टर आती है ये, ठीक है,
ये अम्ब्रियल है, ये कहाँ जाती है, ये जाती है दूसरे रियलम में, ठीक है। ये मतलब कि अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का जो है, जो कि आपको सारी बड़ी बड़ी जो हीरोइक पोइट्रीज होती है उनमें देखने को मिल जाएगा। एवे मैमनॉन में भी इसका रेफरेंस दे रखा है। कहाँ जाती है वो, केव ऑफ स्प्रीन में जाती है, जैसे अंडरवर्ल्ड होता है ना, यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की जगह केव ऑफ स्प्रीन दे रखा है। यहाँ पे जाती है, अनप्लीजेंट चीज़ों को देखती है, जैसे कि यहाँ पे वो देखती है किसको, इसको देखती है, इल नेचर को देखती है, जो कि क्वीन के गार्जियन होते हैं, या फिर गार्जियन या गार्ड कर रहे होते हैं, वेट्रेस बोल सकते हैं या फिर सर्वेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये किसको देखती है कि जो वुमेन है वो टर्न हो रही है ऑब्जेक्ट में, जो मैन है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड है। चीज़ें ज़रूरी नहीं ना कि हमारे देश जैसी चले, हमारी दुनिया जैसी चले, अंडरवर्ल्ड की बात कर रही है। और यहाँ पे वो क्वीन से भी मिलती है और वहाँ से वो कुछ चीज़ों को लेके आती है, ऐसे एक पॉकेट में भर के, एक बैग में भर के, ठीक है, विद अ बैग फोर्स ऑफ फीमेल लंग। ये कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेके आती है, स्नॉब्स को या फिर पैशन को, इन सब चीज़ों को, वॉर ऑफ टंग को, और ला के क्या करती है, बेलिंडा के सर के ऊपर डाल देती है। ऐसा कोई फिजिकल चीज़ नहीं है ला के डाल दिया, पर हाँ मेटाफॉरिकल वे में उस तरीके से करती है। जब वो रिटर्न करता है, वो जो हमारा अम्ब्रियल था ना, वो जब रिटर्न करता है वो क्या देखता है, जो बेलिंडा है वो अपनी एक फ्रेंड, ठीक है, ये इसकी फ्रेंड का नाम है थैलेस्ट्रिस, वो उसके साथ है, और वहाँ पे जो बैग है वो उसके ऊपर ला के डाल देती है। ये फिलहाल अपने लवर के पास जाती है, सरप्लूम के पास जाती है, इसकी दोस्त अपने सरप्लूम के पास जाती है और बोलती है कि जाके अपने फ्रेंड बैरन से बोलो वो जो लॉक उसने काटे हैं, वो जो जुल्फे काटे हैं वो वापस कर दे। वो जाते भी हैं, वो मना कर देता है, बोलता है कि जब तक वो अलाइव है ना तब तक तो वापस नहीं करेगा। लेकिन अम्ब्रियल क्या है, यहाँ पे देख रही होती है हर एक चीज़ों को, ओपन करती है अपने बैग को बेलिंडा के ऊपर। अब यहाँ पे बेलिंडा की स्पीच कैसी होती है, बहुत ज़्यादा लैमेंटिंग हो जाती है, क्योंकि वो जो बैग में कुछ भर के लाया था ना ये अम्ब्रियल, वो यही है कि जो सैडनेस है या फिर चीखें होती हैं, लैमेंटेशन होता है, वही चीज़ें होती हैं। तो वो अपने जो उसने चीज़ें खो दी, अपने लॉक खो दिया, उसके ऊपर रोती है। वो बोलती है कि काश वो घर पे रुकी होती, या फिर काश उसने अपनी एरियल की वार्निंग मान ली होती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, बैरन को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब क्लैरिसा की स्पीच आती है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया था, पहले ये ऐड नहीं था। तो क्लैरिसा की स्पीच इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें जो चीज़ बोली गई है वो कहीं ना कहीं आपकी टेमिंग ऑफ द शू, जो आपने शेक्सपियर का वर्क पढ़ा है उसमें से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रखा है, क्योंकि एलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया था। तो हम बोल सकते हैं कि शायद उनके दिमाग में उसका कैरेक्टर रहा हो जब इन्होंने क्लैरिसा का कैरेक्टर बनाया हो। वो क्या बोलती है, वो बोलती है, आर्ग्यू कर रहे हैं जो फालतू की, इस पे डिबेट इज सिली, कि जो डिबेट हो रही है वो सिली है, सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वेमेन, क्या कर रही हैं, फालतू की चीज़ों पे बात कर रही हैं, ब्यूटी को ध्यान दे रही हैं। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी तो ख़राब हो जाएगी, अपना इन्वेस्ट करिए टाइम को, एनर्जी को, मॉर्टल बींग है, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्या बोलती है कि बेलिंडा कॉल्स द वुमेन टू द आर्म, यहाँ तक तो ये क्या बोलती है, इसकी अगर स्पीच आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वुमेन है उसको अपनी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ब्यूटी है वो तो कहीं ना कहीं फेड हो जाएगी, 2 साल बाद 10 साल बाद वो फेड हो जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, वर्च्यू थोड़ा ना बचेगा। तो ब्यूटी को ध्यान में ना दो इतना जितना बाकी चीज़ों को ध्यान में दो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब बेलिंडा अपनी आर्मी बुला लेती है, क्योंकि एक वॉर को मॉक कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। और यहाँ पे बैटल कैसे होगा, फैन से, सिल्क से, या फिर लेडीज़ की जो स्क्रॉल्स होते हैं उनसे, ये एक उनके वेपन है। और यहाँ पे जो अम्ब्रियल है, जो अंडरवर्ल्ड में गया था, वो खुश है बहुत, क्योंकि वो इसीलिए तो गया था कि लोग भड़क जाएं इस चीज़ को करने के लिए। बेलिंडा अब जाती है बैरन के पास, स्निफ करती है इसकी नोज़ को, मतलब उसके नोज़ को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने लास्ट लाइन में क्या बोला था कि वो जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं देगा, तो वो उसे थ्रेटन करती है कि उसे मार ही देगी। उसके बाद पता चलता है कि जो लॉक्स है वो तो उसके पास है ही नहीं, वो कहाँ चले गए हैं, ये रहे, ही फियर्स नथिंग बट इन डेथ। वो बोलते हैं कि ठीक है वो उसे मारे ना, क्योंकि वो जिंदा रह के उस प्यार के वो जो फायर है उसमें जलना पसंद करेगा, उस चीज़ की बात करता है, बैक टू लीव, ठीक है, बर्निंग विद द पैशन इंस्टेड, कि वो पैशन में जलना पसंद करेगा लेकिन उसे मरना पसंद नहीं है। वो उस पर चिल्लाती है और वो बोलती है उसके स्टोलन लॉक को वापस कर दे, लेकिन क्या है, लॉक इज़ गॉन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इतनी लड़ाई हो रही है, लॉक इज़ गॉन, वो जो जुल्फे हैं वो चली गई हैं, कहाँ चली गई हैं। पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, किसी ने उसे देखा है आसमान में जाते हुए। और यहाँ पे एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते, कैरेक्टर नहीं है ये, एक मिथिकल माइथोलॉजिकल रेफरेंस दे रखा है, जो बेनेटिस थी उसके जो लॉक थे उसको भी काट लिया गया था, लोगों ने उसके जो लॉक्स हैं इसके देखे थे, तो वही बात बोली गई है, जो लॉक हैं वो गॉन हो चुके हैं, वो कहाँ गए हैं, वो ग्रे नहीं होंगे अब कभी भी, वो ब्राइटली चमकेंगे आसमान में, एटर्नल बन जाएंगे, बेलिंडा की जो ब्यूटी है उसको स्पेकुलेट करेंगे, मतलब उसके जो लॉक है वो आसमान में चले गए हैं, सितारे बन गए, स्टार्स बन गए हैं। बस इतनी सी थी ये स्टोरी, आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टोरी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 3-4 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉग, डॉग का नाम
सॉरी, जैसे कि डॉग का नाम क्या है, यहाँ पे इसकी मेड का नाम क्या है, प्लस इसमें क्लैरिसा की स्पीच इंपॉर्टेंट है, कितने कैंटो पहले थे, कितने कैंटो बाद में आते हैं, ठीक है, बस इतनी चीज़ें। हाँ, सीजर का भी आप रख सकते हो कि सीजर को यहाँ पे एक वो दिखा रखा है, एक डिवाइस दिखा रखा है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।